निकालो अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो ये मुल्क बचा लो जब कौम का वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम तेरा आया जब कौम का वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम तेरा आया बस मुखलिस एक तुझे पाया نحمدہو و نصلی علی رسول اہل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم मैं आज अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूं अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलियाने बूरेवाला कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 15 साल बाद बूरेवाला आमद पर अपनी तरफ से आप सब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और बिहाड़ी और मैलसी और बूरेवाला के पार्लियामेंटेरियंस और दीगर मुअज्जिन जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है जो मेरी बहनें और मेरे जवान और मियां नवाज शरीफ के साहबी सिपाही पंडाल में मौजूद हैं उन सब की तरफ से अपनी बहन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी बूरेवाला आमद पर खुश आमदेद कहता हूं और मियां साहब बूरेवाला ने आज फिर ये साबित कर दिया कि बूरेवाला आपका चाहने वाला है मियां साहब आपका चाहने वाला बूरेवाला बूरेवाला मैं आपके तवज्जो से मियां साहब की इंशाल्लाह चौथी बार वजीर आजम पाकिस्तान की नवीद भी बताता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जज्बात से इंशाल्लाह मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और हमारे शहर के वो तालबात जो मियां शबाज शरीफ साहब ने 2018 में इसी स्टेज पर वादे किए थे उसके साथ आज बूरेवाला का सबसे बड़ा मुतालबा जो आपके तवज्जो से मियां साहब के सामने रखता हूं और अल्लाह के फजल से चाहूंगा कि मियां साहब आज स्टेज पे बूरेवाला की मोहब्बत का सबूत देते हुए चौथी बार वजीर आजम बनते ही बूरेवाला को जिला का दर्जा देंगे अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा इसके साथ अब मैं ज्यादा देर आपके दरमियान हाल नहीं रहना चाहता मैं बूरेवाला से उम्मीदवार कौमी असेंबली चौधरी नजीर अहमद अराई साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से नवाजें रहीम कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहेब हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियां साहब के साथ आने वाले मेहमानों ने मोहतरम
जिला विहाड़ी से मेंबराने पार्लियामेंट, मेंबराने सूबाई असेंबली और हमारे मौजूद आवाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से पूरे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, बूरेवाला और जिला विहाड़ी के आवाम की तरफ से मोहतरम मियाँ साहब को बूरेवाला तशरीफ लाने पर खुश आमदेद कहता हूँ। और मैं मियाँ साहब माशाल्लाह काफ़ी देर के बाद तशरीफ लाए तो बूरेवाला में आते मियाँ साहब को तकरीबन 15 साल हो चुके। अब मियाँ साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे अवाम जिस जोश जज्बे से मियाँ साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला आपको चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो हमारे बहुत सारे मुतालबा जो हमने पेश किए हैं आपने मंजूर फरमाना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको दराजी उम्र दे और अल्लाह ताला आपको मुल्क की चौथी दफ़ा खिदमत करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया जी। मैं आप बिला तखीर आपके महबूब कायद, आपके दिलों की धड़कन, पाकिस्तान की तरक्की का जामन, बूरेवाला की तरक्याती और खुशहाली का जामन, आपके महबूब कायद, आपके दिलों की धड़कन, मोहसिन पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को स्टेज पर बुलाने की जसारत कर रहा हूं कि वो आए और अपने चाहलेवानों से खिताब करें। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी बार वजीर आजम पाकिस्तान। मैं मियां साहब की आमद से पहले हमारे जो ज़रई यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसे फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी ऑफ बूरेवाला के नाम से डिक्लेयर करवाना चाहते हैं और रक्षा बॉडी यूनियन के जो पाकिस्तान में पहचान है बूरेवाला की उसको भी रेगुलराइज कराना चाहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपका तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। हमारे कायद पाकिस्तान को बनाने वाले रहीम। बहुत ही प्यारे बूरेवाला की बहनों और बेटियों और बच्चों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम।
बड़े जोश से आपने वालेकुम सलाम कहा है, मैंने सलाम किया, आपने बड़े जोश से जवाब दिया है और उतने ही जोश से जोश खरोश से नवाज शरीफ आपको पूछ रहा है, बुरे वाला के भाइयों बहनों क्या हाल है, कितने सालों के बाद आज मिल रहे हैं, कितने सालों बाद आज मिल रहे हैं बताओ, उदास हो गए थे, मुझसे ज्यादा उदास हो गए थे, मैं ज्यादा उदास हो गया था, आपको इतने साल मैं नहीं मिला, मैं बड़ा उदास हो गया था, यकीन मारो बहुत उदास हो गया था, और आज उतना ही खुश हूं कि आज फिर मैं आपके सामने खड़ा हूं। माशाल्लाह, क्या जोश क्या जज्बा है, इस जज्बे को सलाम सलाम। और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बदल गया, नवाज शरीफ जब यहां पे वजीरे आजम था, और वो वक्त याद करो और आज का वक्त देखो, कितना फर्क आ गया है, कितना फर्क आ गया है। और यहां बुरे वाला के लोग हैं जिसमें शहरी भी हैं, किसान भी हैं, नौजवान भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ माशाल्लाह ये खवातीन और बच्चियां बैठी हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, उनको भी मैं सलाम करता हूँ, सलाम। और मैं समझता हूं कि इतना वक्त बदल गया, वो वक्त याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी, 4 रुपए में। जिया नवाज शरीफ। याद है या नहीं याद है, 2017 में रोटी कितने की मिलती थी, 4 रुपए की, और आज कितने की मिलती है। ये है तब्दीली, ये है तब्दीली, आज 20 रुपए की रोटी मिलती है या 25 की मिलती है, 25 की। कितने अफसोस और कितने दुख की बात है, इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। और मुझे बताओ, आज बिजली घर में आती है या नहीं आती है, लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी और बिजली सस्ती कर दी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, 500 रुपए, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है, 20,000 रुपए का। यह है तब्दीली। गैस आती है या नहीं आती है, देखो बात सुनो, ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में, ठीक है या नहीं ठीक है बोलो। नवाज शरीफ का दौर याद आता है या नहीं आता बोलो, जिनको याद आता है वो हाथ खड़ा करके बताएं, नीचे करो हाथ, जिनको नहीं आता वो भी हाथ खड़ा करके बताएं। देख लो साजिद मेहदी साहब, देख लो चौधरी नजीर साहब, नवाज शरीफ की खिदमतें इस कौम ने याद रखी हुई हैं, और नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी।
इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे, चीनी की कीमत सस्ती होगी इंशाल्लाह और गैस घर घर मिलेगी इंशाल्लाह। और मैं आपसे बिल्कुल ये बात सच कहने लगा हूँ, सच सुनो गौर से, यहाँ नौजवान भी खड़े हैं, जरा नौजवान हाथ खड़ा करके बताएं कितने हैं नौजवान। ये तो सारा जलसा ही नौजवानों का है, वाह 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 वाह। अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। नौजवानों जरा मुझे बताओ, क्योंकि मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, प्यार आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे नौजवानों बताओ कितने नौजवान यहाँ मौजूद है जो उनके जिनके पास रोजगार नहीं है, हाथ खड़ा करो, जिनके पास रोजगार नहीं है हाथ खड़ा करो। बड़े अफसोस की बात है कि रोजगार तक नहीं है, और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना खत्म की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत ना खड़ी की जाती, खत्म की जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, हर एक के पास रोजगार होता, हर एक के पास एक अच्छी नौकरी होती, हर एक के पास एक अच्छा कारोबार होता, हर घर खुशहाल होता, रोशनी के चिराग जल रहे होते। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, गलत बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो के मुझे आपके साथ करनी चाहिए। यह है तब्दीली कि आज भी पाकिस्तान के इस बुरे वाला शहर के अंदर इतने लोग बेरोजगार हैं। आज तो पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी, बुरे वाला से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पे कुल्हाड़ा मारा है, ज्यादती की है। देखो ये मोटरवे बन रही थी, मोटरवे बन, अब आजकल आप जब लाहौर जाते हो तो कौन से रास्ते से जाते हो, मोटरवे पे सफर करते हो या नहीं करते, बोलो। ये आपके लिए मोटरवे बनाई है, अपनी जात के लिए नहीं बनाई, आपके लिए बनाई है। और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इंशाल्लाह एक मोटरवे यहाँ से बुरे वाला से भी गुजरेगी इंशाल्लाह। यहाँ कितने लोग हैं, कितने किसान बैठे हैं, जरा किसान हाथ खड़ा करे, किसान, वाह माशाल्लाह, किसान भाइयों जरा बता दो मुझे, आज यूरिया कितने का मिलता है, यूरिया कितने का मिलता है जरा बताओ मुझे। हमारे दौर में यूरिया जो है वो 1200 रुपए का था, 1200 रुपए का, और आज 5000 का है ना यूरिया, 5000 का। यह है तब्दीली, तब्दीली का नतीजा। और डीएपी कितने की मिलती थी हमारे दौर में, बोलो, हमारे दौर में डीएपी का जो रेट था वो 2400 रुपए था, 2400 रुपया, और आज कितने का मिलता है, 14000, 13000, 14000, कभी 15000, और पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता। हमारे दौर में 24 रुपए था, यह है तब्दीली का नतीजा। तब्दीली का सुन लिया आपने या नहीं सुना, ये। और ट्रैक्टर नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का, आज कितने का है बोलो, आज 38 लाख रुपए का ट्रैक्टर मिलता है, 38 लाख रुपए का।
ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। ये पाकिस्तान को इन्होंने कहां पहुंचा दिया है। इंशाल्लाह आपकी मदद से फिर वापस लाएंगे पाकिस्तान को, हम महंगाई से फिर वापस लाएंगे, बेरोजगारी से फिर वापस लाएंगे और पाकिस्तान के हालात को इंशाल्लाह इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में अल्लाह ताला के फजल करम से एक बेहतरीन रोजगार होगा और यहाँ पर मोटरवे जैसे मैंने कहा बनाएंगे, हाईवे बनेगी, एक तरफ से हाईवे बनेगी एक तरफ से मोटरवे बनेगी और ऐन मुमकिन है कि इस इलाके में एक बेहतरीन एयरपोर्ट भी बना दिया जाए। ओ भाई, यहाँ पे मेरे दोस्त खड़े हैं, ये साजिद मेहदी साहब खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, हमारा साथ दिया बिल्कुल, चौधरी नजीर अहमद अराइन मेरे बड़े पुराने साथी हैं, ये 1985 से मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं। तमीना दौलताना आई हुई है यहाँ पर, ये बार बार कह रही है कि एक मेडिकल कॉलेज दे दिया जाए विहाड़ी को। अगर तमीना दौलताना साहब अगर आप कामयाब हो गई तो एक मेडिकल कॉलेज दे देंगे इंशाल्लाह आपको, लेकिन आपने कामयाब होना है इंशाल्लाह। मनेश साहब भी यहाँ मौजूद है हमारे भाई, ये भी 1985 से मेरे साथी हैं, बड़े पुराने साथी हैं। खालिद डोगर साहब मौजूद हैं, यूसुफ कसेलिया साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इरफान दौलताना साहब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ आगे आओ इरफान दौलताना जरा आगे आओ। हमारा पहलवान है इरफान दौलताना। मुश्किल से निकालो ये खालिद डोगर साहब हैं जी, खालिद डोगर अभी आपसे मुखातिब थे। और तो बातें मैं आंसर नहीं करता, अगर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सीट जीतेगी यहाँ पे, ये इलेक्शन जीतेगी, हुकूमत बनाएगी, तो नवाज शरीफ इंशाल्लाह फिर बुरे वाला आएगा। और मेरा ख्याल है जैसे कि इन्होंने कहा और आपकी बड़ी ख्वाहिश है, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी लंबी लिस्ट है कि यहाँ बूरे वाला के लिए ये काम होने चाहिए, तो भाई मैं तो एक इंशाल्लाह आपकी खुशहाली की बात करता हूँ। खुशहाली की बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करने वाला, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसके फजलो करम से हम पूरी मेहनत करेंगे, दोबारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश पे नवाज शरीफ कह रहा है कि इंशाल्लाह बुरे वाला को जिला भी बनाया जाए। मैं मरियम नवाज शरीफ को मैं दावत दे रहा हूं कि वो आए, बाप बेटी को दावत दे रहा है कि वो आए और आपसे बात करे। आपके सामने अपनी बहन मुस्लिम नून पाकिस्तान की सीनियर नायब सदर और नौजवानों के दिलों की धड़कन, जिसने पाकिस्तान में अल्लाह की रहमत के बाद मुस्लिम लीग को जिंदा किया, मुस्लिम लीग के वर्करों को चार्ज किया, आपके अमंगों की तर्जमान मोहतरमा मरियम नवाज साहबा स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपसे मुखातब हूं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दी होनी मुस्लिम लीग दी जीत जी, और शेर उत्ते मोर लावी है।
लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस शफकत से, जिस जज्बे से आपने मेरा इस्तकबाल किया, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज पीछे हट जाएं ताकि मैं लोगों को देख सकूं, बहुत मेहरबानी। मेरी बहुत सारी बहनें, माएं, बेटियां मुझे नजर आ रही हैं और ये मसीही भाई मुझे नजर आ रहे हैं, इनके झंडे मुझे नजर आ रहे हैं और जब मियां साहब ने कहा कि नौजवान हाथ उठाएं तो तकरीबन पूरे जलसे ने हाथ उठा दिए क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये सब नौजवान खड़े हैं माशाल्लाह। और जितनी खुशी मुझे नौजवानों की तादाद देखकर हुई जब नवाज शरीफ साहब ने सवाल पूछा कि हाथ उठाकर बताओ कि कितने नौजवान इस तरह के हैं जलसे में जिनके पास रोजगार नहीं है, तो तकरीबन सबका हाथ खड़ा था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरा दिल बैठ गया आपको देखकर। और आज भी खुदा गवाह है बुरे वाला वालों, आज भी अगर हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट दो तो नवाज शरीफ को वोट दो, तो इसलिए कह रहे हैं ताकि कल हम मुंतखब होकर आपकी खिदमत कर सकें। ये बुरे वाला से जितने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों या वो सूबाई असेंबली के हों, विहाड़ी से जितने उम्मीदवार हैं, ये सब मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट रखने वाले लोग हैं, खड़े होने वाले लोग हैं। इन सब को इतने वोट देना कि मुस्लिम लीग नून कामयाब हो और कामयाब होकर दिन रात बुरे वाला के अवाम की खिदमत कर सके। बुरे वाला वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, दाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, बाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। और बुरे वाला वालों, ऊपर से भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे गुजर रहे होते हैं। कल मैं लाहौर में अपने हल्के NA 119 में गई, मैंने बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की वहां पर, लेकिन मेरी तकरीर के दौरान 4 मरतबा हमारे सर के ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजरी माशाल्लाह। तो मैंने जब वो ट्रेन देखी तो मैंने लोगों को कहा कि वो देखो नवाज शरीफ का मंशूर जा रहा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो। आज बुरे वाला के सामने नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। बुरे वाला पूरे का पूरा जानता है कि नवाज शरीफ ने कौम की कितनी खिदमत की है, क्योंकि जो मंसूबा उठा के लिख लो, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, आजाद जम्मू कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कोई भी काबिले जिक्र मंसूबा अगर है तो उसके ऊपर किसका नाम लिखा है? अल्लाह ताला के फजल से उस पे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिखा है। सब सिर्फ मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई है, बाकी सब जमातें नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं। तो जब काम किया होता है तो तनकीद करने की जरूरत होती है? बुरे वाला वालों, मुझे कहो अभी, मुझे तो किसी पर तनकीद याद ही नहीं आएगी
मुझे तो अगर मैं सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मंसूबे और खिदमत गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम के 4 बज जाएंगे अल्लाह के फजल से। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। क्या आप लोगों को ये वाली तनकीद, ये तरक्की चाहिए आपको? और कल बड़े मजे का वाकया हुआ, गुजरांवाला से हमारे एक उम्मीदवार हैं तौफीक भट्ट साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। उन्होंने कहा बाजी जरा ये वीडियो देखें। मैंने देखी, वो गाड़ी में गुजर रहे थे गुजरांवाला के किसी बाजार से, तो दुकानदार थे, लोग उनको हाथ हिला हिला के उनको वेलकम कह रहे थे। तो एक दुकानदार ने दूर से आवाज लगाई, भूरे वाला वालों, उसने आवाज लगाई, मैं वो जुमले दोहरा देती हूँ। उन्हें कहा शेर यार हुण की कर रहा, हुण आ जा, बहुत तबाही हो गई साड़ी। तो भूरे वाला वालों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कौम जो है महंगाई की मारी, अवाम जो है तकलीफों में घिरी, अवाम आज नवाज शरीफ को क्यों आवाजें दे रही है? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। वो नवाज शरीफ को इसलिए आवाजें दे रहे हैं कि कोई आया इंतकाम लेकर चलता बना, कोई आया गाली गलौज करके चलता बना, जेलों में फेंक के चलता बना, कोई आया तनकीद करके चलता बना, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वो लोग हैं जिन्होंने आपकी हकीकी खिदमत की है अल्लाह के फजल से। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा लीडर है जिसको दिन रात आपकी फिक्र है, जिसको आपकी महंगाई कम करने की फिक्र है, जिसको आपके बिजली के बिल कम करने की फिक्र है, जिसको आपके गैस की फिक्र है, जिसको आपकी रोटी की फिक्र है, आपके आटे की फिक्र है, आपकी चीनी की फिक्र है, आपकी सड़कों की फिक्र है, आपके अस्पतालों की फिक्र है, आपके स्कूलों की फिक्र है, आपके कॉलेजों की फिक्र है, तो वो ये बैठे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और जिसके पास अल्लाह के फजल से मसाइल का हल है, अगर वो 22-22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके जीरो लोड शेडिंग में 3 साल में पाकिस्तान को ला सकता है, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे अल्लाह का फजल है और नवाज शरीफ के दिल में आपकी मोहब्बत और आपके लिए जज्बा है। और अब क्योंकि हम साउथ पंजाब में आए हैं तो मैं ये कहना चाहती हूं कि बाकी जमातों ने साउथ पंजाब को सिर्फ अपनी सियासत के लिए रखा हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जिसने हकीकी मायनों में साउथ पंजाब की, जनूबी पंजाब की दिल से खिदमत की है। ये जो मुल्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मुल्तान मेट्रो देखी है ना माशाल्लाह, किसने बनाई? तो उसने तो नहीं देखा कि पंजाब का ये कौन सा हिस्सा है। खिदमत की तो बराबर की और हर हिस्से की माशाल्लाह। बड़े लोग आए जनूबी पंजाब के नाम पे आकर बेवकूफ बनाकर चले गए, लेकिन मैं आज जनूबी पंजाब को और भूरे वाला को कहना चाहती हूं कि नजर दौड़ाकर देखो। 2013 से कंपेयर करो, मुआवजना करो 2013 के जनूबी पंजाब का और उसके बाद 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाला गया हो, 2017 के जनूबी पंजाब का मुआवजना करो। आपको नजर आएगा कि अगर जनूबी पंजाब की हकीकी मायनों में किसी ने खिदमत की है तो वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये देखें, मुल्तान में मेट्रो बनी, निश्तर हॉस्पिटल 2 बना, अगर लाहौर में पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट जिसको PKLI कहते हैं, अगर वो लाहौर में बना तो फिर किडनी हॉस्पिटल मुल्तान में भी बना, अगर लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना तो मुल्तान में भी स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना। इसके अलावा निश्तर मेडिकल कॉलेज भी बना, मुल्तान जरे यूनिवर्सिटी भी मिली, और आज नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिए कि आप मुस्लिम लीग नून को मुंतखब करो, इंशाअल्लाह ताला विहाड़ी में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह ताला।
अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई वजीर आला आया, उस्मान बुज़दार साहब याद है ना आपको, उनसे किसी ने पूछा, अब वो वजीर आला पंजाब तो बन गए लेकिन उनको अपना तारुफ कराने के लिए ये जब वो किसी को कोई कहता था आप कौन है, तो वो कहते थे मैं वजीर आला पंजाब हूं। उनको कोई पहचानता नहीं था तो उनको जाकर ये कहना पड़ा कि मैं यहां पर पंजाब का शहबाज शरीफ लगा हुआ हूं। हमारा मंशूर कल लॉन्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाजे है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की। आप में से बेशतर जो लोग हैं वो किसान हैं, किसान की तरक्की, आपके जो ज़रई फार्म है उनसे आपकी जो मार्केट तक की सड़कें उनको बना के देना ताकि आपको अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आसानी हो। उसके बाद आपके अस्पताल उनको ठीक करना, मुफ्त दवाई की, मुफ्त इलाज की, मुफ्त एक्सरे की, मुफ्त सर्जरी की सहूलत आपको पहुंचाना, आपकी दवाइयों को आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाना, तालीम को आम करना, तालीम की सहूलियत हर घर में देना, मुफ्त तालीम देना, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शानदार दानिश स्कूल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह ताला। मोटरवेज का जाल बिछाना हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह ताला। बिजली के बिलों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह ताला। आपके घरों में गैस पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। रोटी की कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। चीनी, आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी और यही हमारा मंशूर है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुन लेना, इलेक्शन किस दिन है जरा मैं सुनूं, पता है 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून का कोई वोटर 8 फरवरी को घर ना बैठे। मुकाबले में कोई नजर आता हो नहीं आता हो, सुबह सुबह उठकर अपने आप को भी लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने मोहल्लेदारों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर पोलिंग स्टेशन पर जाना है और किस पे मोहर लगानी है। लो जी, बूरे वाला ने अपना फैसला सुना दिया माशाल्लाह। आप जितने मोरे शेर पर लगाओगे उतनी जल्दी बूरे वाला और पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये मरियम नवाज आपसे वादा करके जा रही है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का बूरे वाला। ये जो खवातीन खड़ी है, मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपको हंसता रखे, बसता रखे, आबाद रखे, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शेर जो तो मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ा ने कर करी नसना, वो शेर जो तो मैदान।